तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है कौन गेम प्ले वीडियो में। देखो भाई, इस वाले मैच में हम कहते हैं डुओ स्क्वाड और आज पर मैं जा रहा हूँ ओल्ड बेसिंग अंदर। लेकिन भाई, इस वाले मैच में जो सीन एंड में मेरे साथ होने वाला है ना, मतलब देख कर जाना, आपको थोड़ा सा तो मजा आ ही जाएगा। हम देखो सीन क्या होता है कि यहाँ पर हम ओल्ड बेसिंग में आते गए थे और भाई उतरते के साथ एक शॉट गन में मिल गई थी और सामने की तरफ बंदे काफ़ी ज़्यादा आ गए थे। तो यहाँ पर बस देखना कितने किल्स करके निकलते हैं हम। और शॉट गन मिले थे तो भाई शॉट गन से तो पुश कर नहीं सकते थे, तो भाई सबसे पहले एक ऑटो गन ढूंढते हैं और उसके बाद पुश मारते हैं। अब ऑटो गन की तलाश में देखो मैं कहाँ तक पहुँची, लेकिन भाई मेरे को अभी तक ऑटो गन मिली ही नहीं थी। लेकिन तभी मेरे को कुछ फुटस्टेप आते, वो भी ऊपर से ही। तो भाई जो भी मेरे को मतलब शॉटगन से ही देखना पड़ेगा बंदों को। तो मैं थोड़ा सा चेक करते हुए बंदा ऊपर की तरफ, यहीं पे टीपी पी तो नहीं लिया, लेकिन भाई बंदा तो इधर होता नहीं। लेकिन इतने में भाई दूसरे स्क्वाड का पुश आया था हमारे ऊपर। फिलहाल जो भी हो, बेस वाले स्क्वाड के दो बंदे को मैं नॉक कर चुका था। बारी थी तीसरे बंदे की, जो कि भाई हमारे पर पुश मारने वाला सीधा। अब ये बंदा इतने ज्यादा क्लोज आया था कि इसके ऊपर एम लगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एट द एंड भाई इस बंदे को नॉक और फिनिश दोनों का ही था। भाई स्क्वाड का लास्ट बंदा बचा जो कि भाई कहीं पे भी छुपा हो सकता है और कहीं से भी धप्पा कर सकता है। तो सबसे पहले हील मारते हैं और उसके बाद उस बंदे को ढूंढेंगे सबसे पहले, जो कि भाई मतलब कहीं पर भी हो सकते हैं। वो रहा देखो स्क्वाड, उसमें देखो मैं नेट करता हूं ना। अब एम्पर भी यहाँ से मुझे मिली आते, उसके बाद टीममेट ने तो कॉल दिया था कि भाई बंदा स्क्वाड हाउस पे है। तो मैंने तो देखा नहीं था उसको, लेकिन जो भी वो टीममेट ने देखा तो भाई सबसे पहले स्क्वाड हाउस पे पुश मारते। लेकिन भाई जैसे ही मैं स्क्वाड हाउस पे पहुंचता हूँ, वो बंदा भी पीछे की तरफ फॉल बैक मार देता, मतलब रेड उसकी तरफ। अब मैंने इस बंदे को भाई लगभग तीन शॉट का नक्कर, लेकिन भाई फिर भी बंदा मरते नहीं, जैसे डिस्टेंस काफी ज्यादा था। और भाई लास्ट वाली गोली तो बंदे के पैर में लगे, लेकिन जो भी अभी एट द एंड उस बंदे को भी M4 से इजीली निपटा लेते हैं। लेकिन इतने देर में अभी हमें पता लगता है कि पीछे की साइड से मतलब प्रोमोटर साइड से भी हमारे पास पुश हो चुका है। तो सबसे पहले हील मारते हैं और फर्स्ट एड तो था नहीं मेरे पास, तो भाई बैंडेज मारने में थोड़ा बहुत टाइम जरूर लगेगा, लेकिन बंदे जो थे क्लोज इन कर जाते इतने में। मारते नहीं सर, और फाइनल के साथ ये स्क्वाड भी मारी आती है। अब देखो भाई, जब हमने फाइट करे तो भाई शायद आप लोगों ने बग्गे का साउंड सुना होगा, क्योंकि भाई जस्ट अभी है, तो भाई वो बंदे भी यहीं पे रुक जाते। तो भाई बारी थी इन बंदों की। अब इस बंदे के लिए थोड़ा बहुत खराब लगता है, क्योंकि वो बंदे के पास स्ट्रेल लगे थे, लेकिन भाई चलाने का मौका नहीं मिलता इस बंदे को। लेकिन भाई जो भी हो, इस बंदे को नॉकआउट फिनिश करने के बाद इसके टीममेट कवर फायर देते जरूरत है। तो यहाँ पर तुम्हारे सबसे पहले एक फर्स्ट एड मारता है और उसके बाद देखते इसके बंदों को। और अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा दयावान बनता और मतलब M4 से ही थोड़ा सा मारने की ट्राई करता इस बंदे को, तो भाई ये बंदा इतना गंदा मारता ना मेरे को। लेकिन जो भी हो भाई, यहाँ पर मैंने सीख लिया कि भाई दयावान बिल्कुल भी नहीं मना, मतलब किसी पे भी दया नहीं करनी। तो भाई सीधा चला दो यार जो भी यहाँ पे मैं। तो भाई उस बंदे को निपटाने के बाद यहाँ पर तुम्हारे भाई सबसे पहले बंदों की तलाश में निकल जाता गाड़ी लेकर और फाइनल हम आते इस वाली जगह पर। अब बंदे को नॉक करने के बाद यहाँ पर मैं बिल्कुल स्ट्रेट चला तो मतलब पुश मारने के लिए। अगर मैं लेफ्ट राइट से जाता तो भाई टीममेट यहाँ पर नहीं होता था, लेकिन भाई स्कैम हो चुका था टीममेट के साथ। लेकिन जो भी अभी सामने की तरफ केवल एक स्क्वाड के बंदे नहीं है, मतलब दो दो स्क्वाड्स के बंदे हैं।
हेलो मैं नॉक होके क्या ना यहाँ पर बचाया तो और एक बंदा तो भाई बिल्कुल ओपन से अपना किल कंफर्म करने के लिए था लेकिन जो भी छत वाले बंदे को तो मैंने इजीली फिनिश कर दिया है शायद उसी बंदे ने मतलब एडर रूम से मेरे टीममेट को उतारा था। तो भाई सबसे पहले टीममेट के पास पहुंचते हैं और मैं ट्राई तो पूरी करता हूं कि मैं पहुंचूं अपने टीममेट के पास लेकिन भाई एंड टाइम पे मतलब देखो मैं कहां तक पहुंच गया उसके बाद टीममेट यहां पर मतलब फिनिश हो जाता है। और टीममेट तक पहुंचने के लिए मैंने यहां पर काफी ज्यादा रिस्क लिया लेकिन भाई टीममेट जो था यहां पर शहीद हो जाता है लेकिन जो भी हमने यहां पर ट्राई पूरी की है अपने टीममेट को शहीद होने से बचा लिया लेकिन भाई टीममेट तो शहीद हो चुका है। तो भाई अब बारी थी बदले की अब मैं बिल्कुल ऊपर में था और भाई बंदों के लोकेशन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी तो तुम्हारा भाई बिल्कुल राइट फ्लैंक मार के सीधा जोन में आया था। और यहाँ पर टीममेट ने भी जस्ट बोला कि भाई वेस्ट नहीं है मेरे पास लेकिन फिर भी मैं फेक करता हूँ कि मुझे यहाँ पर लग रहा था कि भाई वेस्ट मतलब ना उनसे क्या होगा जस्ट एक बॉडी शॉट लगेगी थोड़ी सी हेल्थ कम होगी मैं मतलब मीटर वाले के पीछे मतलब कवर में तुम्हारा भाई हील इजीली कर लेगा लेकिन भाई सीन हो जाता है मेरे साथ यहाँ पर और मीटअप भी नहीं हो पाया मतलब मीटअप तो मैंने कर ही लिया लगभग लेकिन भाई बात नहीं हो पाती। फिलहाल जो भी हो इस वाले मैच को इग्नोर करता हूँ भाई उसके जस्ट बाद में ये वाला मैच लगा लेता हूँ। और भाई इस वाले मैच में मैं कहता हूँ स्क्वाड विस्कॉड जो कि मैं बहुत कम खेलता हूँ और इस वाले मैच में हम बैठे फैक्ट्री और यहाँ भी मैं बहुत ही कम आता हूँ लेकिन जो भी हो यहाँ पर तुम्हारे भाई उतर तो गया था लेकिन भाई अगर यहाँ पर बंदे आए होते तो भाई पेटी जो थी मेरे मतलब कंफर्म बन जाती और इसलिए मैंने लकीली बोला कि भाई यहाँ पर बंदे नहीं आते क्योंकि भाई इस वाले मैच की किस्मत देखना अब यहाँ तक मैं आ चुका था फैक्ट्री पूरा का पूरा लूट कर लेकिन भाई मेरे को क्या मिली बस एक पिस्टल। अब नीचे भी जाता और नीचे फाइनली मतलब टीममेट्स नहीं पहुंच पाते और तो मैं अभी जल्दी जल्दी लूट कर मतलब पूरा कंगला कर देता है वाली जगह मतलब टनल साइड और फाइनली मेरे को एक कैम और उसका मिल जाता तो सबसे पहले गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद से निकलते हैं बंदों की तलाश में। वाह भाई वाह। अभी जो स्टेडियम वाली स्क्वाड है मतलब थोड़े थोड़े बटे बटे थे क्योंकि भाई देखो कुछ बंदे थे मेन बिल्डिंग में और भाई कुछ बंदे गाड़ी निकले इधर आते तो लेकिन उन्हें मिल जाते बीच में कुछ बोट और बोट को मारने में व्यस्त होता तो भाई इसी चीज का हम फायदा उठा के भाई बीच में उन बंदों को इजिली नॉक और फिनिश दोनों खेलते। तो भाई अब बारी थी भाई मेन बिल्डिंग वाले बंदों की जो कि भाई हमारे ही वेट कर रहे थे तो बस देखना और अब आप लोगों को भाई एक ऐसा ग्रेनेड देखने को मिलने वाला मतलब जो कि मैंने शायद ही अपने किसी भी वीडियो में ऐसा ग्रेनेड किया और तो भाई मतलब एंजॉय करना बस वाला नेड और ये वाला नेड मतलब मैंने खरा नहीं है अपने आप छूट गया था मेरे हाथ से और इसी नेट से भाई मेरे को यहाँ पर एक खेल मिल जाता है और भाई ये उसी बंदे का खेल था जो कि भाई मतलब हमारे पर पुश मारता है और मुझे यहाँ पर लगा था कि भाई बंदे मतलब एक नेट कर रहा है लेकिन मैं बंदे ने यहाँ पर स्मोक करा होता है और इसलिए मैं मतलब पीछे की साइड भागकर एक नेट को करता हूँ लेकिन मैं नेट जो था उसी टाइम मतलब वहीं पर छूट जाता है तो भाई बंदा अपने आप पता नहीं कैसे फट जाता है उस वाले नेट से। तो भाई इस वाले नेट के लिए मतलब एक लाइक कर देना और चैनल पर जो नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। उसके बाद हम ड्रॉप पर जाते हैं ड्रॉप लूटने के बाद हम सीधा आते हैं इस वाली जगह पर और भाई यहाँ पर अलग ही लेवल था भाई मची हुई थी भले हम मर चुके हैं अब तुम्हारा भाई जो था यहाँ पर आते कि सती पता नहीं कितने किल कर देता है मतलब बंदे ऑलरेडी नॉक भी पड़े थे और मतलब ऑलरेडी डैमेज भी थे और यहाँ पर बंदे ऑलरेडी नहीं हुए थे मतलब सामने की तरफ कुछ और बंदे भी भागे थे मतलब वो शायद लास्ट बंदा बचा था तो जिसे तो यहाँ पर टीममेट ने निपटाए थे। तो भाई मेरे को तो किल मिलता नहीं तो भाई स्किप करते हो सीधा जाते हैं मतलब पहाड़ी के ऊपर क्योंकि जोन भी था और भाई बंदे भी थे वहाँ पर तो भाई पहुँचते हैं और निपटाते हैं। बंदे बंदे पहाड़ों
चढ़ा दिया सर अब जैसे यहाँ पर मैं गाड़ी पहाड़ के ऊपर चढ़ा तो मतलब मैं तो डायरेक्ट ही घुसेड़ देता हूँ। मुझे लगा था कि अपने मतलब किसी और स्क्वाड से फाइट लेने में मतलब व्यस्त होंगे तो पीछे से जाकर हम इजीली निपटा देंगे, लेकिन भाई ये जो बंदे थे हमारी वेट कर रहे थे, लेकिन जो भी हो इन बंदों को घुस के इजीली निपटा है। तो उसके बाद दोनों के दोनों बंदे नो करते स्क्वाड टीममेट्स हो सकते थे, और तभी मेरा टीममेट कॉल देता कि भाई नीचे की साइड एक गाड़ी जा रही है, और शायद से मतलब इसी स्क्वाड का बंदा था जो कि यहाँ से बच के भाग रहा था, लेकिन जो भी हो पीछे पड़ते स्क्वाड भाई निपटाते हैं। नहीं समझ में आएगा बोले लॉबी में मिले तब समझाएंगे डिटेल। अब इस वाले बंदे को नॉक करने के बाद यहाँ पर तो मैं भी सबसे पहले गाड़ी वाले बंदे के पीछे पड़ता और भाई बस देखने बंदा क्या ही करने की ट्राई करता है। अब पहले तो मैं इसकी मतलब अपनी गाड़ी ठोकता हूँ उसकी गाड़ी से, और मतलब स्कोप ओपन करके देखता हूँ कि बंदा कर क्या रहा है, उसके बाद इसको नॉक करिए। तो क्योंकि इस बंदे की गाड़ी का शायद से फ्यूल खत्म हो जाता है, इसलिए बंदा बिल्कुल स्लो मोशन में रुक रहा था। तो भाई पहले मैं देखता हूँ कि भाई बंदा करना चाह क्या रहा है, उसके बाद इजीली उतार देते इस बंदे को। उसके बाद इस बंदे को नॉक और फिनिश करने के बाद एक और गाड़ी का साउंड आता है मेरे को, और ये बंदा भाई सोलो स्क्वाड का लास्ट बंदा होता है। तो भाई जिसे फिनिश करते के साथ ही मेरे को सारे के सारे किल्स कंफर्म हो जाते हैं। उसके बाद मैं टीममेट के पास पहुंचता हूं, क्योंकि लास्ट टीममेट ही बचा हुआ था जो कि शायद से फाइट भी ले रहा था सामने की तरफ। तो भाई पहुंचते हैं और मदद करते हैं। पीछे इतना मारो ना इनको, और भाई इन बंदों को कम बुलेट्स में तुम्हारे भाई इजीली इसलिए निपटाए थे क्योंकि टीममेट ऑलरेडी इन बंदों से फाइट ले रहा था, मतलब डैमेज कर चुका था, तो तुम्हारे भाई आके इजीली निपटाए थे इन बंदों को। तो भाई कुछ गलत मतलब समझना बिल्कुल भी मत, और जाने से पहले भाई सबसे पहले ये वाला फटका देखो और इस बंदे को निपटाते के साथ मिल जाता है अच्छी गन। तो कैसे थे इसकी गेम प्ले और कैसे लगी वीडियो कमेंट करके, जो तरह वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो पर लाइक जरूर, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना, और भाई सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, तो भाई जाके सब्सक्राइब करो। और मैं गेम प्ले एंटी क्या